वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ द्वारा शासन से अपनी 8 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत जिले से लगभग 137 पटवारियों ने दुर्ग के मानस भवन के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया। जिला सह सचिव एवं मीडिया प्रभारी रणजीत कुमार मिश्रा ने इस तरह की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व पटवारियों ने अपने लंबित मांगों के पूर्ण न होने से आक्रोश जताया है और इस संदर्भ में पूरे प्रदेश में नाराज पटवारियों ने राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। और तलब है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों ने बीते 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी थी। आज हम लोग यहाँ पे जो 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसील दुर्ग और जिला दुर्ग के सभी साथी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अतिरिक्त प्रभार के हलके हैं, हमको अतिरिक्त हलका दिया जाता है, उसका जो 250 रुपये मासिक जो शुल्क हमको दिया जाता है वो बहुत ही कम है और हमको पूरा काम करवाया जाता है, तो कम से कम हमको 50% जो है उसका अतिरिक्त हलके का वेतन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग महिला पटवारी हैं, जो कि हमको रात रात तक कार्य करना पड़ता है वहाँ पे, तो जो मुख्यालय की बाध्यता है वो समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, ना ही हमारे मुख्यालय में है, ना ही तहसील कार्यालय में रहते हैं, जिससे हमको असुविधा होती है, तो वो संसाधन भी हमें प्रदान किया जाए और जो मुख्यालय निवास की बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। हड़ताल में तो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, उसमें से प्रमुख एक मुद्दा ये भी है कि अगर किसी पटवारी को कार्य करने के दौरान अगर कोई भी लिपिकी त्रुटि छोटी सी भी हो जाती है तो उसका पहले विभागीय जांच होना चाहिए, उसके बाद उस पर FIR की कार्यवाही। विभागीय जांच में अगर वो सही पाए जाते हैं, अगर वाकई में उनसे कोई गंभीर त्रुटि हुई है, उस कंडीशन में ही विभागीय जांच के बाद उन पर FIR होना चाहिए। आज के कंडीशन में अगर छोटी सी कोई त्रुटि होती है तो तुरंत डायरेक्ट FIR कर दिया जाता है। तो ये हमारी प्रमुख एक मांग है जो कि बहुत ही जायज़ है। इसके अलावा अगर जो पटवारी भर्ती की योग्यता है वो स्नातक स्तर पर होनी चाहिए, उसमें आज के डेट में अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड ही हैं सारे कार्य, और उसमें स्नातक लेवल का ही कार्य है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि स्नातक जो है उसका मेन होना चाहिए। अगर नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए, हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अड़िग हैं अपने डिसीजन पर और हम बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जनता को तकलीफ देने के लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए ही है सब। जो हम रात दिन कार्य कर रहे हैं इस चीज़ के प्रतिफल के रूप में हम कुछ चाह रहे हैं और जनता भी इस चीज़ को समझती है। हम लोग ये 8 सूत्री मांगे हैं जिससे के लिए हम लोग 2 साल पहले हड़ताल में थे, शासन ने हमको उसको पूरा करने का आश्वासन दिया था और 2 साल के बाद भी वो मांगों में कोई भी आगे कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इसके संबंध में हमने पिछले 24 अप्रैल को 1 दिवसीय धरना दिया था शासन को जागरूक जगाने के लिए, परंतु उसके बाद भी शासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हमने उसी समय अल्टीमेटम दिया था कि 15 मई से पूरे प्रांत के पटवारी साथी हड़ताल में रहेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज से हम लोग 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। राजस्व पटवारी संघ जिला शाखा दुर्ग में 137 पटवारी यहाँ पर आज हड़ताल में हैं और हमारी शासन से ये मांग थी कि वेतन जो है हमारे 2800 ग्रेड पे की मांग थी शासन से, और संसाधन जो हमारे किसी पटवारी के पास संसाधन की उपलब्धता नहीं है जिससे शासकीय कार्य अवरुद्ध होता है, और शासकीय कार्य में जो लेट लतीफी होती है उसको दूर करने के लिए हमने राज्य शासन से ये अपील की थी, उनको ज्ञापन दिया था कि पटवारियों को आप संसाधन दें, क्योंकि आजकल अभी आप देखेंगे जो डिजिटल क्षेत्र में सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन हम पटवारी भर ऐसा शासकीय कर्मचारी है जो बिना संसाधन के कार्य कर रहा है और भी 100% अपनी चलते राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करने के लिए दिन रात कार्य करता रहता है। प्रत्येक पटवारी को तो देखेंगे आप तो विश्वास करें आप कि 24 घंटा कम पड़ जाता है हमारे पटवारी साथी को काम करने के लिए। तो हमारी शासन से यह मांग है कि आप वेतन वृद्धि कीजिए और हमारे पटवारियों को संसाधन उपलब्ध कराइए। वैकल्पिक व्यवस्था कैसे, अगर पटवारी काम नहीं करेगा तो शासन की जो राजस्व की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक पटवारी अपने गांव के प्रत्येक किसान से जुड़ा रहता है,
और जब पटवारी क्या बोलते हड़ताल पे चला जाएगा तो शासन के जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे आपको हम बता दें कि प्रत्येक पटवारी 32 विभाग का कार्य करता है, कहीं ना कहीं उसका 32 विभागों में कार्य में संलग्नता रहती है, और पटवारी के हड़ताल पे चले जाने से शासन का प्रत्येक कार्य, हाँ हमारे किसान भाइयों का, हम नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों का कार्य प्रभावित हो, लेकिन हम ये मांग, उचित मांग है हमारी कि शासन हमको कम से कम कुछ तो वेतन दे, संसाधन दे। और एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हम शासन का काम करने जाते हैं, लेकिन अगर कुछ उसमें दुर्घटना हो जाती है तो FIR सीधे पटवारी पर हो जाती है, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पटवारी शासन का नुमाइंदा है और वो कोई कार्य कर रहा है, दुर्घटना हो रही है तो उसको शासन स्तर पर लेना चाहिए, न कि पटवारी को व्यक्तिगत उसमें घसीटा जाता है। तो इसके लिए हमारा एक विरोध स्वरूप शासन से मांग है, निवेदन है कि हमारी मांग को समझते हुए शासन छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जिम्मेदारी जो पटवारियों की है, हम चाहते हैं शासन भी उसको सरलता से करते हुए हमारी मांग को ध्यान दे, पूरा करे, इसीलिए हम आज विरोध स्वरूप हड़ताल में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के समस्त पटवारी आज हड़ताल पे 15 मई से अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।